Hey guys, welcome back to my channel. This is Megha and you're watching Megha and Beauty. तो आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रही हूँ एक DIY टोमेटो फेशियल. ये फेशियल बिल्कुल होम इंग्रेडिएंट से बना हुआ है और इस फेशियल को हर कोई यूज कर सकता है. बट आई विल सजेस्ट कि इस फेशियल को यूज करने से पहले आप एक बार पैच टेस्ट जरूर करें. सो विदाउट फर्दर डिले लेट गेट स्टार्टेड द वीडियो. इस फेशियल को करने के लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं 2 मीडियम साइज टमाटर. अगर आपके पास हाइब्रिड टमाटर है तो वो भी चलेगा, बट अगर आपके पास देसी टमाटर है तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि देसी टमाटर में ज़्यादा सिट्रिक है तो वो ज़्यादा बेटर रहता है. तो अब हम इन टमाटरों को काट लेंगे और मिक्सर ग्राइंडर में डाल के इसकी एक प्यूरी तैयार कर लेंगे. यहाँ हमारी प्यूरी रेडी है, तो चलिए फेशियल स्टार्ट करते हैं. सो द फर्स्ट स्टेप इज़ क्लिंजिंग. तो इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया हुआ है 1 टेबल स्पून ऑफ टोमेटो प्यूरी. अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस. अब हम इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और हमारा क्लिंजर बनके रेडी है. तो चलिए इस क्लिंजर को लगाना स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लिया है फेस वॉश से. आपके पास जो भी फेस क्लिंजर या क्लिंजिंग मिल्क है उससे आप अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लीजिए और उसके बाद हम इस टोमेटो क्लिंजर को अपने पूरे फेस पे अप्लाई करेंगे और 5 मिनट के लिए इसे ऐसे ही छोड़ देंगे. 5 मिनट के बाद हम अपने फेस को वॉश करेंगे और फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ. सो हमारा नेक्स्ट स्टेप है स्क्रब. और इस स्क्रब को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया हुआ है सबसे पहले एक बोल में 1 टेबल स्पून ऑफ राइस फ्लोर और 1 टेबल स्पून ऑफ शुगर पाउडर. अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें नहीं हैं तो आपको सिंपली राइस को मिक्सर ग्राइंडर में डालना है और 1 मिनट तक चलाने के बाद में आपका राइस फ्लोर तैयार है. ऐसे ही आप शुगर पाउडर भी तैयार कर सकते हैं. तो अब इसमें राइस फ्लोर और शुगर पाउडर ऐड करने के बाद में मैं ऐड करने जा रही हूँ इसमें 2 टेबल स्पून टोमेटो प्यूरी. अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद में हमारा स्क्रब बनके रेडी है. तो चलिए इसे लगाना स्टार्ट करते हैं. तो इस स्क्रब को यूज़ करने के लिए सबसे पहले मैंने अपने फेस और नेक पे इस स्क्रब को अच्छे से लगा लिया है. अब मैं 2 से 3 मिनट तक इस स्क्रब को हल्के हाथों से मसाज करूँगी और उसके बाद में इसको 10 मिनट तक ड्राई होने के लिए छोड़ दूँगी. 10 मिनट के बाद हम अपने फेस को वॉश कर लेंगे और फिर चलते हैं हम अपने थर्ड स्टेप की तरफ. थर्ड स्टेप है हमारा फेस पैक. तो इस फेस पैक को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया हुआ है एक बोल में 1 टेबल स्पून ऑफ ग्राम फ्लोर और बेसन. अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून ऑफ दही एंड 2 टेबल स्पून ऑफ टोमेटो प्यूरी. नाउ मिक्स इट वेल टू मेक अ स्मूथ पेस्ट. सो हमारा फेस पैक बिल्कुल बनके रेडी हो गया है. तो चलिए इसे लगाना शुरू करते हैं. इस फेस पैक को लगाने के लिए मैं यहाँ पर अपनी फिंगर टिप्स का इस्तेमाल कर रही हूँ. अगर आप चाहें तो कोई ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं. ये फेस पैक बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है. तो इसी तरीके से आपको ये फेस पैक अपने पूरे फेस और नेक पे अप्लाई कर लेना है. उसके बाद हम इसे 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे. 10 मिनट के बाद आप देख सकते हैं मेरा फेस पैक बिल्कुल ड्राई हो गया है. तो अब इस फेस पैक को रिमूव करने के लिए मैं हल्का सा मसाज करूँगी अपने फेस को एंड देन इसी तरीके से 5 मिनट तक मसाज करने के बाद में मैं अपने फेस को वॉश कर लूँगी.
नाउ द फोर्थ स्टेप इज मसाज। तो मसाज क्रीम बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया हुआ है एक बोल में 1 टेबल स्पून ऑफ एलोवेरा जेल। नाउ आई विल ऐड 1 टेबल स्पून ऑफ टोमेटो प्यूरी टू इट। अब हम इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और हमारा जो मसाज जेल है वो बन के बिल्कुल रेडी है। तो चलिए इस मसाज जेल को लगाते हैं। इस मसाज जेल को यूज़ करने के लिए सबसे पहले मैं इसको अपने पूरे फेस और नेक पे अप्लाई करूँगी। देन उसके बाद हम इसको 5 मिनट के लिए मसाज करेंगे। जैसा कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, सबसे पहले हम चीक्स पे मसाज करेंगे इन अ सर्कुलर मोशन एंड इन अपवर्ड डायरेक्शन एंड देन अराउंड द माउथ एंड देन ऑन फोरहेड। फेस मसाज इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ द फेशियल, सो प्लीज़ डोंट स्किप दीज स्टेप्स। नाउ अंडर आईज पे मसाज करने के लिए हम ऊपर की तरफ देखेंगे जिससे हमारी अंडर आईज पे अच्छे से मसाज हो सके, और इस स्टेप को करने से हमारे डार्क सर्कल्स भी रिमूव होते हैं। एंड आईज के ऊपर मसाज करने के लिए हम नीचे की तरफ देखेंगे। तो इसी तरीके से 5 मिनट तक मसाज करने के बाद में हम अपने फेस को वॉश कर लेंगे। तो अब मेरा फेशियल कंप्लीट हो गया है और आप देख सकते हैं कि ये चारों स्टेप्स करने के बाद में मेरी स्किन कितनी फेयर एंड क्लियर लग रही है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो आपने देखा ये फेशियल कितना इजी और कितना इफेक्टिव है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। If so, please hit like and share to my video and subscribe to my channel. तो मिलते हैं आपसे next video में। Till then, bye.